नमस्कार दोस्तों। अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन का खेल पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला खेली जा रही है और इस टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे और सबसे रोमांचक दिन इंग्लैंड की टीम ने 207 रनों पर 2 विकेट के नुकसान के दूसरे दिन के स्कोर से आगे खेलना शुरू कर दिया, जहां पर बेन डकैट 133 रनों की धमाकेदार शतकीय पारी खेलकर अभी भी मैदान में मौजूद थे। तो वही उनके साथ जो रूट बल्लेबाजी कर रहे थे, और फिर इस तीसरे दिन इंग्लैंड की पारी की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं रही और बल्लेबाजी कर रहे जो रूट को जसप्रीत बुमराह ने यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कर दिया। जो रूट 31 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए। जो रूट के जल्दी आउट हो जाने के बाद इस तीसरे दिन जॉनी बेयरस्टो इंग्लैंड की टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन जॉनी बेयरस्टो को भी कुलदीप यादव ने LBW आउट कर दिया। जॉनी बेयरस्टो बिना खाता खोले ही आउट हो गए। इंग्लैंड की टीम ने तीसरे दिन की शुरुआत में ही अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था, लेकिन अभी भी बेन डकैट पूरी तरह मैदान में सेट होकर बल्लेबाजी कर रहे थे, और फिर विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के साथ मिलकर बेन डकैट ने अपने 150 रन भी पूरे कर लिए। लेकिन 150 रन पूरे करने के तुरंत ही बाद बेन डकैट को कुलदीप यादव ने शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कर दिया। बेन डकैट 151 गेंदों में 153 रनों की गजब के पारी खेलकर आउट हो गए। कुलदीप यादव ने इंग्लैंड की टीम का सबसे बड़ा विकेट भारतीय टीम को दिला दिया था। बेन डकैट जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे ऐसा लग रहा था कि वह अकेले के दम पर यह मुकाबला भारतीय टीम के हाथ से छीन लेंगे। लेकिन अब बल्लेबाजी करने बेन फ्लोक्स मैदान में उतरे, और फिर यहां से कप्तान बेन स्टोक्स और बेन फ्लोक्स ने मिलकर इंग्लैंड की पारी को फिर एक बार संभाला और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन भारतीय गेंदबाजी इन दोनों को भी ज्यादा हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दे रही थी, जिस वजह से अब धीरे धीरे इंग्लैंड की टीम दबाव महसूस करने लगी थी, और फिर इसी दबाव के चलते फिर बल्लेबाजी कर रहे इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को ही रविंद्र जडेजा ने जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान बेन स्टोक्स 89 गेंद में 41 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड के कप्तान के आउट हो जाने के साथ ही अब इंग्लैंड के विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया था। विकेट गिरने के बाद अब रेहान अहमद बल्लेबाजी करने मैदान में आए थे, लेकिन उसके अगली ही ओवर में सेट हो चुके बेन फ्लोक्स को भी मोहम्मद सिराज ने जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच आउट कर दिया। बेन फ्लोक्स 37 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड की टीम अब एक बड़ी मुसीबत में थी। देखते ही देखते इंग्लैंड की टीम ने अपने टॉप के साथ बल्लेबाजों को खो दिया था। अब मैदान पर टॉम हार्डली आ चुके थे, लेकिन तभी रेहान अहमद को मोहम्मद सिराज ने क्लीन बोल्ड कर दिया। रेहान अहमद 13 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही उनके तुरंत ही बाद टॉम हार्डली को भी रविंद्र जडेजा ने ध्रुव जुरल के हाथों स्टंप आउट कर दिया। टॉम हार्डली 17 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए, और अंत में बल्लेबाजी के लिए आए जेम्स एंडरसन को मोहम्मद सिराज ने क्लीन बोल्ड करते हुए इंग्लैंड की इस पहली पारी को 319 रनों पर ही खत्म कर दिया। लेकिन अभी भी इंग्लैंड की टीम 126 रनों से भारतीय टीम से पीछे थी। उसके बाद दूसरी पारी में भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा के कंधों पर इस दूसरी पारी में अपनी टीम को एक विस्फोटक को ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन इस बार भारतीय टीम की यह ओपनिंग जोड़ी तो ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाई, और पारी के 12वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए जो रूट ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को LBW आउट कर दिया। कप्तान रोहित शर्मा 28 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल मैदान में उतरे, और फिर यहां से यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने भारतीय पारी को संभाल लिया और अपने कप्तान के विकेट के बाद जो टीम के ऊपर दबाव बन रहा था उसे खत्म करते हुए एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वही शुभमन गिल भी इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। दोनों की देखते ही देखते 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। अब यशस्वी जायसवाल मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे, और फिर इसी बीच यशस्वी जायसवाल ने अपना इस मुकाबले का शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। यशस्वी जायसवाल की इस गजब की पारी ने भारतीय टीम में एक अलग ही आत्मविश्वास भर दिया था। अब यशस्वी जायसवाल आसानी से इंग्लैंड की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेल रहे थे, जिसने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के होश उड़ा दिए थे। कोई भी इंग्लैंड का गेंदबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की इस साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहा था, और फिर देखते ही देखते दोनों की 50 रनों की साझेदारी 100 रनों में तब्दील हो गई।
अब यशस्वी जायसवाल केवल 4 रनों से अपने ऐतिहासिक शतक से दूर थे और फिर एक शानदार चौका लगाते हुए यशस्वी जायसवाल ने अपना इस मुकाबले में एक और अद्भुत शतक पूरा कर लिया। यशस्वी जायसवाल की इस धमाकेदार पारी ने इंग्लैंड की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। अब शुभमन गिल की पारी थी और फिर शुभमन गिल ने भी दबाव न लेते हुए गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई और फिर उन्होंने भी अपना अर्धशतक इस मुकाबले में पूरा कर लिया। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की यह साझेदारी 150 का आंकड़ा पार कर चुकी थी, लेकिन तभी शतकवीर यशस्वी जायसवाल चोटिल हो गए और उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। उन्हें रिटायर हर्ट डिक्लेयर किया गया। यशस्वी जायसवाल के बाद अब रजत पाटीदार मैदान में उतरे, लेकिन रजत पाटीदार इस मुकाबले में भी नाकामयाब रहे और रजत पाटीदार को टॉम हार्डली ने रेहान अहमद के हाथों कैच आउट कर दिया। रजत पाटीदार बिना खाता खोले ही आउट हो गए। रजत पाटीदार एक गलत मौके पर आउट हो चुके थे। ये तीसरा दिन खत्म ही होने वाला था और इसी वजह से बतौर नाइट वॉचमैन कुलदीप यादव को मैदान में भेजा गया और फिर कुलदीप यादव और शुभमन गिल ने भारतीय टीम का कोई भी विकेट गिरने नहीं दिया और इस तीसरे दिन के अंत तक भारतीय टीम ने 196 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं, जहां पर अभी भी शुभमन गिल 65 रन बनाकर मैदान में मौजूद है और इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम की इस मुकाबले में बढ़त 322 रनों की हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, तीसरे दिन भारतीय टीम के लिए गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज ने कमाल करके दिखाया। मोहम्मद सिराज ने अपनी गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को पूरी तरह दबाव में रखा और 4 महत्वपूर्ण विकेट निकाले, लेकिन इसके बावजूद बल्लेबाजी के लिए आए यशस्वी जायसवाल ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए शानदार 133 गेंदों में 104 रनों की अद्भुत शतकीय पारी खेली और इसी के चलते भारतीय टीम बैंड डकैट की धमाकेदार पारी के बाद इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल की वजह से वापसी कर पाई। तो दोस्तों, आप यशस्वी जायसवाल की इस गजब की शतकीय पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।